हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 31st वीडियो लेक्चर पे। कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि बस यार 30 ही करने हैं। लगभग यहां से 15 लेक्चर भी हो रहे हैं और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स व्हेन ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। कि शेयर जो है ना वो ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुआ था। किस पे इशू हुआ था? सिक्योरिटी प्रीमियम पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में था तो जरूर हमने ये एंट्री करके रखी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस एसपीआर को हम क्रेडिट कर चुके हैं। इस एसपीआर को हम अलॉटमेंट में जब हमने ड्यू करी होगी तो इस अलॉटमेंट को क्या, इस एसपीआर को क्या कर चुके हैं बेटा? हम क्रेडिट कर चुके हैं। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। आओ जी स्टार्ट करें आज का लेक्चर नंबर 31। क्या कहता है ये? फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स When originally issued at premium, when originally issued at premium, किस पे इशू होगा बेटा? प्रीमियम पे इशू होगा। किस पे इशू होगा मेरे बेटा? प्रीमियम पे। किस पे इशू होगा मेरे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होगा। गॉट इट सर, हम समझ गए। आओ जी चले, पहले एंट्री क्या होगी? वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल इन अरियर। सही बात है ना, वही जैसे पार में कर रहे थे। लगभग 15 लेक्चर हो गए हमें काम करते करते। क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों किया कैपिटल को डेबिट? क्योंकि इट इज अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर। इट इज अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर, सो देयरफॉर वो जो कैपिटल यहां क्रेडिट हुआ था वो आज आगे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल के सामने हमेशा क्या आती है याद रखना? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। कैपिटल के सामने क्या आती है बेटा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। ये नोट करना सारा साथ साथ, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। क्या बेटा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। याद रखो क्या आएगी? सिर्फ फेस वैल्यू। कहां तक? जहां तक पैसे मांगे हैं। आगे सर एक बात बताओ, एसपीआर को आपने डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि ठीक है, वो कह रहा है क्या हो गया सर? मैं तो कुछ नहीं बेटे, बीच बीच में ऐसे चलता रहना चाहिए, नहीं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं, बड़े ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्या हो। ठीक है, तो काफी लाइट मोड में बड़े आराम आराम से कवर अप करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत 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 आसान है, बस आप करते चले जाएं। एसपीआर को क्या किया था याद करो, जब हमने अलॉटमेंट मांगी होगी तो एंट्री कही होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। जब पैसा रिसीव हुआ होगा तो रिसीव ही नहीं हुआ होगा तो हमने क्या एंट्री डाल दी होगी? हमने एंट्री डाल दी होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब ये एसपीआर का पैसा मांगा पर नहीं मिला। जब मांगा और नहीं मिला तो इसे क्रेडिट पड़े रहने देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसे क्रेडिट पड़े रहने देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई इसके पास हक ही नहीं है कि ये क्रेडिट पड़ा रहे, तो हम इसको आज डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। हम इसको आज डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। तो एसपीआर में क्या आएगा? अमाउंट विच इज कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्या आएगा एसपीआर के सामने? अमाउंट विच इज कॉल्ड, वो प्रीमियम का पैसा जो हमने मांगा और नहीं मिला। फोर फीचर में क्या आएगा? सर जितने पैसे मिल गए, जितने पैसे अमाउंट रिसीव्ड, जितने पैसे मिल गए लेस यदि मिले हुए पैसों में अमाउंट क्या आएगा इसमें? अमाउंट रिसीव्ड।
और यदि मिले हुए पैसों में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है तो उसे माइनस कर दो। प्रीमियम का पैसा भी तो फोरफिट कर लिया। यदि मान लो उस व्यक्ति ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया तो उसे माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्या वो पैसे वापस करने हैं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा वापस नहीं करना, मेरी बात सुनो, पैसा वापस नहीं करना, सिर्फ हम माइनस करके दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो एसपीआर के पैसे फोरफीचर में चले गए, तो हमसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 का उल्लंघन हो जाएगा। ये सेक्शन कहता है कि यदि कंपनी के पास पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम का आया है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, इस निम्नलिखित पांच चीजों में, ना कि उस पैसे को आप फोरफीचर में ले जाएं। इसका मतलब यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल गया, तो आप उस पैसे को फोरफिट नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ फोरफीचर में से आप माइनस कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, क्योंकि उसको हम सिर्फ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के पांच चीजों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चा कह रहा है सर मुझे बात थोड़ी कम समझ आई। मैंने कहा बेटा ये नीचे एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल से मैं आपको 15 बार ये बात समझाऊंगा अपनी। बस थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेशन से देख लीजिए, कोई बात नहीं, जितना भी समझ आया अच्छा है, छोड़ दो, आगे चलते हैं। कॉल इन अरियर में क्या आएगा? अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा मांगा और नहीं मिला, ये इसमें आएगा और ये कॉल इन अरियर में आएगा। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत है? क्या आपको यह समझ आता है? आप इस चीज को आराम से नोट कर लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको फिर से समझाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आओ जी एग्जांपल नंबर 1 से बात करते हैं। अंदर आओ। ये तुम्हारा अंदाजा था या क्या? मेरा आंसर राइट था सर, एकदम राइट था, पर ये तुमने सॉल्व कैसे किया? पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ गया। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं। कहता है ए बी सी डी ई एफ पांच लोग हैं अलग अलग, एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 6 रुपए की, 6 रुपए के अलॉटमेंट में 4 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, फाइनल कॉल 1 रुपए की, तो कुल मिला के 2 और 6 8, 8 और 3 11 और 1 12, 12 में 10 + 2 12 रुपए हो गए। ए ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया। बी ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी, शेयर फॉरफिट हो गया। डबल लाइंस का मतलब है कि शेयर क्या हो गया? फॉरफिट। सी ने सिर्फ एप्लीकेशन दी, बाकी कोई पैसा नहीं दिया, शेयर फॉरफिट हो गया। डी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी कंपनी ने, सेकेंड कॉल मांगी नहीं, पहले ही उसका शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट। ई ने एप्लीकेशन दी है सिर्फ, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने यही फॉरफिट कर दिया, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। आगे एफ से कंपनी ने, एफ ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, कंपनी को गुस्सा आया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया। इस बंदे से कंपनी ने ना फर्स्ट कॉल मांगी ना फाइनल कॉल मांगी। वापिस आते हैं अपनी बात पे। आओ जी, एंट्री क्या थी? एंट्री सर वही थी, स्टैंडर्डाइज एंट्री है हमारी, एंट्री में कोई चेंज नहीं है। क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल इन अरियर। आओ जी, कैपिटल के सामने क्या आता है? कैपिटल के सामने आती है फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। क्या आता है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। चले तो बताना जरा एक बार, ए ने कितने पैसे दिए हैं? ए से कितने पैसे मांगे हैं? सर ए से पूरे 12 रुपए मांगे हुए हैं, पर 12 में 2 तो प्रीमियम है ना। क्या लिखा था मैंने? फेस वैल्यू। क्या वर्ड यूज किया था बेटा? फेस वैल्यू। तो इससे तो ए से 10 मांगे,
बी से भी 10 मांगे, सी से भी 10 मांगे, डी से 1 रुपया फाइनल कॉल का नहीं मांगा, तो इससे नो मांगे, इससे भी नो मांगे। एफ से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं मांगी, मतलब 4 नहीं मांगे, तो सिर्फ कितने मांगे, 6 मांगे। तो मैंने शेयर कैपिटल पुट करके दिखा दिया आपको, गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? आओ, सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व में क्या आएगा? विच प्रीमियम विच अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, जो मांगा और नहीं मिला, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, किससे प्रीमियम मांगा और नहीं दिया? ए ने, देखो प्रीमियम है कहां, प्रीमियम है कहां? सर प्रीमियम अलॉटमेंट में है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट में है। तो आप देखो, डिसाइड करो कि किस किस व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं दी, किस किस व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं दी। सर सी ने अलॉटमेंट नहीं दी, ई ने अलॉटमेंट नहीं दी, एफ ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब ए में आएगा 0, बी में आएगा 0, सी में आएंगे 2 रुपए, डी में आएंगे 0, ई में आएंगे 2, एफ में आएंगे 2। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? बहुत हिम्मत लगती है, बहुत मेहनत लगती है समझाने में, पढ़ाने में, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या यार वीडियो ही तो है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे। बेटे हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट साथ में हर्ट होते हैं। जब कोई मतलब 10 क्लास 15 क्लास के बाद कहता है सर मुझे ना टाइम ही नहीं मिला वीडियो देखने का, मैं ना बाद में देख लूंगा, बेटे बाद में देखोगे ना तो इतने सारे लेक्चर पेंडिंग हो जाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। जो काम आप आज कर सकते हो वो आप काम कल नहीं कर पाओगे, मेरी बात समझो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, साथ साथ कवर अप करते चले जाना, नहीं तो बहुत फंस जाओगे। आप रेगुलर बेसिस पे बस एक एक दो दो लेक्चर देखो और उसका सारा काम करते चले जाओ, बस और कुछ नहीं करना आपने, बस इतना ही आसान है बेटा, ठीक है? आओ जी, एसपीआर में क्या आता है, अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, वो प्रीमियम जो मांगा और नहीं मिला। तो किस किस से प्रीमियम मांगा और किस किस ने प्रीमियम नहीं दिया? ए ने दे दिया, बी ने दे दिया, सी ने नहीं दिया, ई ने नहीं दिया, एफ ने नहीं दिया। प्रीमियम है कहां? अलॉटमेंट में। आगे चलते हैं, फोर फीचर में क्या आएगा? फोर फीचर में आता है अमाउंट रिसीव, और अमाउंट रिसीव में यदि गलती से प्रीमियम भी है तो उसे एलिमिनेट कर दो, उसे एलिमिनेट कर दो। प्रीमियम का पैसा फोरफिट नहीं करते, प्रीमियम का पैसा फोरफिट नहीं करते, प्रीमियम के पैसे को प्रीमियम में ही रहने देते हैं, चाहे उस बंदे ने शेयर लिया हो या उसका शेयर फोरफिट हो गया हो। यदि उस व्यक्ति ने प्रीमियम का पैसा दिया था तो उस पैसे को प्रीमियम में ही रहने दो, उसे फोरफिट मत करो, क्योंकि प्रीमियम के पैसे से सिर्फ कंपनीज एक्ट के थ्रू सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के थ्रू हम सिर्फ यही 5 काम कर सकते हैं। सर आप इतना इंफोसिस करके क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ये पेपर में आएगा और पक्का आएगा। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 में आ सकता है, 4 में आ सकता है। वो एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये 5 काम है जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो सिर्फ इन्हीं 5 कामों में। सर बताओ कौन से 5 काम? मैंने कहा बाद में बताता हूं, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? आती है। आओ जी, तो समझ गया मैं कि फोर फीचर में आएगा अमाउंट रिसीव और माइनस इन्हीं प्रीमियम है। तो ठीक है जी, ए से कितने रुपए फोरफिट किए हैं? सर ए से हमने 2, 6, 9 रुपए फोरफिट किए हैं, पर 9 में 2 तो प्रीमियम है, 9 में 2 क्या है? प्रीमियम। तो क्या लिखेंगे? 7 रुपए। आप 7 ही लिखना, मैं 9-2 लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आगे बी से क्या मिला है? सर बी से 8 रुपए मिले हैं, पर 8 में 2 तो प्रीमियम है, 8 में 2 क्या है बेटा? प्रीमियम है। सी से सिर्फ 2 रुपए मिले हैं, सी से कितने मिले हैं? सिर्फ 2 रुपए। डी से कितने मिले हैं? 8-2। ई से कितने मिले हैं? सिर्फ 2। और एफ से भी कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या आपको शेयर फॉर फीचर अकाउंट समझ आ गया? क्या आप लोगों को शेयर फॉर फीचर अकाउंट समझ आ गया? बच्चे कह रहे यस सर हमें समझ आ गया। मैंने कहा आगे चलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। क्या है कॉल्स इन अरियर्स में? अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव। एक चीज लिख देता हूं, इनक्लूडिंग
प्रीमियम ऑल्सो, यदि प्रीमियम भी है तो घबराए ना। प्रीमियम मैंने कहां से प्रीमियम माइनस करने को कहा है, मैंने कहां से प्रीमियम माइनस करने को कहा है, सिर्फ फोर फीचर में से, सिर्फ फोर फीचर में से मैं लिख देता हूं यहां पे, सिर्फ, यार हिंदी अच्छी नहीं है मेरी, सिर्फ फोर फीचर में से एसपीआर रिड्यूस करना है, शेयर सॉरी कॉल्स इन अरियर में से नहीं। ये नोट है, नोट हिंदी में लिख दिया मैंने भाई आप लोगों के लिए, फोर फीचर में से ही प्रीमियम का पैसा माइनस करना है, कॉल इन अरियर में से नहीं। यदि उसमें फोर फीचर में सॉरी यदि कॉल्स इन अरियर्स में प्रीमियम का पैसा है तो रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमने ड्यू किया होगा तो क्या किया होगा, छ, क्या ड्यू किया होगा, छ, कैपिटल चार, प्रीमियम दो, पैसा मिला कितना, जीरो। तो जब अलॉटमेंट को कैंसिल आउट करोगे, जब सॉरी कॉल्स इन अरियर्स कितनी आ गई, छ, जब आप इस कॉल्स इन अरियर्स को कैंसिल आउट करोगे तो कितने से कैंसिल आउट करोगे, पूरे छह से ना, तो एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तो पूरे छह राइट ऑफ हो गए। ये छह कैसे बने थे, चार प्लस दो से, ये छह कैसे बने थे बेटा, चार प्लस दो से, गॉट इट। इसलिए यहां पर हम कॉल्स इन अरियर्स में इंक्लूडिंग प्रीमियम रहने देते हैं। चले आओ जी, कितना पैसा नहीं आया सर, ए ने एक रुपए नहीं दिया, बी ने चार रुपए नहीं दिए, सी ने छह चार दस रुपए नहीं दिए, डी ने सिर्फ तीन रुपए नहीं दिए। सर बच्चा कह रहा ये एक रुपए भी तो नहीं दिया, मैंने कहा धत तेरे की, एक रुपए तो हमने उससे, एक रुपए तो हमने उससे मांगा ही नहीं, एक रुपए तो हमने उससे मांगा ही नहीं, एक रुपए तो हमने उससे मांगा ही नहीं, समझ रहे हो। हाँ सर, अब ई ने क्या नहीं दिया, छह और तीन नौ रुपए नहीं दिए, एफ ने क्या नहीं दिए, छह रुपए नहीं दिए, गॉट इट, समझ आता है सबको, आगे चलते हैं। अच्छा जी देखते हैं, नौ में से दो गए सात और एक, एक सेकेंड, इससे कितने रुपए फोरफिट कर लिए हमने, गलत कर दिया हमने, नौ थोड़ी ना, छह और तीन नौ दो ग्यारह, ग्यारह में से दो गए बेटा, ग्यारह में से दो, और यहां कितने में से गए, आठ में से दो गए, ठीक है जी, ग्यारह में से दो गए नौ और एक दस, ये हो गए छह और चार दस, दस और दो बारह, दो और दस बारह, सात और तीन नहीं, छह और तीन नौ और नौ, नौ दो ग्यारह, नौ दो ग्यारह, छह दो आठ, छह दो आठ, खत्म, मैच कर रहा है सब कुछ। क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात समझ में आती है, क्या आपको यहां तक मेरी सारी स्टोरी समझ में आती है बेटा, पक्का चले आगे। हाँ सर, वो बच्चे कह रहे हैं हमें ये बताओ कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 से क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनी कैन यूटिलाइज ओनली द फॉलोइंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट से सिर्फ ये काम कर सकती है। पहला, फुली पेड अप बोनस शेयर दे सकती है। क्या दे सकती है बेटा, इशू कर सकती है फुली पेड अप बोनस शेयर्स। मतलब जब कंपनी को अपने बोनस शेयर्स देने होंगे, क्या देने होंगे बेटा, बोनस शेयर्स, फ्री के शेयर्स, तो वो इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को यूटिलाइज करके बोनस शेयर दे सकती है। पहला। दूसरा, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा, राइट ऑफ ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं कंपनी उनको राइट ऑफ कर सकती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करके। गॉट इट, मैं समझ गया आपकी बात को। राइट ऑफ कर सकती है डिस्काउंट और कमीशन को। याद है अंडरराइटर्स कमीशन पढ़ी थी हमने, वो अंडरराइटर्स कमीशन को, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकती है। वो जो लॉस है ना, डिस्काउंट होना, वो जो कमीशन देना, वो जो खर्चे हैं, लॉस है, उन खर्चों और लॉस को
पीएनएल में डालने की बजाय, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डालने की बजाय कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करके भी उनको राइट ऑफ कर सकती है। किस किस को? जो हमने डिस्काउंट और कमीशन दिया है इशू पे, किसके इशू पे? किसी भी शेयर के या डिबेंचर के या एनी अदर सिक्योरिटी के। मतलब कंपनी ने जब अपने शेयर इशू किए होंगे, कंपनी ने जब अपने डिबेंचर इशू किए होंगे, उस टाइम पर इशू के टाइम जो अंडरराइटर्स कमीशन दी होगी, जो डिस्काउंट में इशू किए होंगे, उन सब लॉसेस को, डिस्काउंट्स को कंपनी पीएनएल में डालने की बजाय राइट ऑफ कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ये तीसरा महत्वपूर्ण चीज है जिसको यूज कर सकती है कंपनी। आगे चलते हैं, फोर्थ, कंपनी प्रीमियम दे सकती है किस पे? रिडम्पशन पे। ये वर्ड लिखा है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। किसकी रीपेमेंट पे? किसी भी शेयर या डिबेंचर की। जब भी कंपनी अपने शेयर, कौन से शेयर को? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रही होगी, तो कभी कभी कंपनी ऐसे करती है, कहती है 100 के 110 ले जा यार, जा मौज ले। तो वो जो 10 रुपए, जब कंपनी अपना डिबेंचर रिडीम कर रही होगी, जब 100 के 110 दे रही होगी, वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम का देगी कंपनी, वो जो 10 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम के दे रही है, उस नुकसान को, डिस्काउंट को, लॉस को भी कंपनी राइट ऑफ कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो क्या कर सकती है भैया? प्रीमियम पेबल, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर्स। समझ गया मैं सर? पांचवा, परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटी। कभी कभी कंपनी खरीद लेती है ओन शेयर्स, दैट इज कॉल्ड बायबैक। जब कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है, उस टाइम पर भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकती है। समझ रहे हो? अब भाई साहब, इसको याद करने के बाद मेरा पेपर में गुगली फैक्टर है, एमसीक्यू क्वेश्चन में कहता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कहां यूटिलाइज नहीं कर सकते। चार पॉइंट दे देगा, तीन तो इसी में से होंगे, एक अलग होगा, अब आपको याद ही नहीं आएगा भाई साहब था क्या। इसलिए बहुत पक्का, मैं पक्का कह रहा हूं, कसम खा के, प्री बोर्ड में या बोर्ड में पक्का ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक नंबर का दिखाई देगा, ये पक्का आएगा बेटा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तीन नंबर में, सीधा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी कहां का यूटिलाइज कर सकती है। तो पहला, फुली पेड बोनस शेयर दे सकती है। दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। तीसरा, डिस्काउंट और कमीशन को राइट ऑफ कर सकती है। चौथा, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन कर सकती है। पांचवा, कंपनी बायबैक कर सकती है। तो प्लीज इन 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना और करना कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। बाय बाय बेटा।